रूस और यूक्रेन के युद्ध में न्यूक्लियर अटैक का खतरा तो है ही, अब केमिकल अटैक का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। नेटो ने भी यूक्रेन पर केमिकल अटैक के खतरे की आशंका जताई। अगर ऐसा हुआ तो इस अटैक का असर पूरे यूरोप को भुगतना पड़ेगा। विनाशक युद्ध का एक महीना बीतते बीतते अब महाविनाश की आशंका दुनिया के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। वॉशिंगटन में बैठे बाइडेन अब वॉर्सा पहुंच गए हैं और वहीं से पुतिन को चेतावनियां दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो कहा उससे पोलैंड के लोगों को कुछ उम्मीद तो जागी कि अमेरिका उनके साथ खड़ा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका के सिपाही यहाँ तैनात होंगे, लेकिन यूक्रेन के लोग इससे खासा निराश थे। जो लोग यहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा कि उन्हें जो सहायता दी जा रही है वो तो अच्छी बात है, लेकिन उन्हें सैन्य सहायता की आवश्यकता है, जिसमें उनको लड़ाकू विमान भी चाहिए, जिनको टैंक भी चाहिए, क्योंकि रूस से लोहा लेने के लिए केवल शब्द काफी नहीं है। उनको इस समय अगर आवश्यकता है तो हथियारों की है, ताकि रूस से मुकाबला किया जा सके। बाइडेन की धमकियां हैं तो पुतिन की ललकार भी। पोलैंड की धरती पर अमेरिका के राष्ट्रपति युद्ध पीड़ितों से मिले तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने पुतिन को कसाई करार दिया। यूक्रेन महीने भर से युद्ध की आग में जल रहा है और जब रूस की मिसाइलों ने पोलैंड बॉर्डर के नजदीकी शहर लवीव का रुख किया तो अमेरिका को नेटो रक्षा का वचन याद आया। रूस यूक्रेन की सीमा के पास आकर बाइडेन ने रूस को सीधी चेतावनी दी। The reason we want to make clear is their movement on Ukraine. Don't even think about moving on one single inch of NATO territory. पुतिन मतलब रूस के अधिनायक, पुतिन मतलब रूस का सिस्टम, और पोलैंड से बाइडेन ने रूस को पुतिन मुक्त करने की बात कही। बाइडेन ने पुतिन को सत्ता से हटाने का आह्वान किया। Ukraine will never be a victory for Russia, for free people refused to live in a world of hopelessness and darkness. We will have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principles, hope and light, of decency and dignity, of freedom and possibilities. For God's sake, this man cannot remain in power. बाइडेन के तल्ख बयान पर रूस को सुर्ख होना ही था, सो हुआ। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेशकोव ने कहा, ये बाइडेन नहीं तय करेंगे कि पुतिन कब तक सत्ता में रहेंगे। रूस की जनता ने पुतिन को राष्ट्रपति बनाया है। बाइडेन के इस बयान से रूस और अमेरिका के बीच संबंध पर और गहरा असर होगा। रूस अमेरिका के बीच वर्चस्व की जंग में यूक्रेन जल रहा है। यूक्रेन युद्ध दुनिया के लिए परमाणु विनाश का खतरा तो लाया ही है, लेकिन एक और बड़ा खतरा है केमिकल युद्ध का महाविनाश। यूक्रेन के मारियोपोल थिएटर में रूस ने मिसाइल अटैक किया, लेकिन नेटो देशों का दावा है कि इस हमले में रूस ने केमिकल बम का इस्तेमाल किया है। रूस भले इनकार करे, लेकिन अमेरिका और नेटो देश बार बार यही दावा कर रहे हैं। Asserting that we, America, have biological as well as chemical weapons in Europe, simply not true. I guarantee you. They're also suggesting that Ukraine has biological and chemical weapons in Ukraine. That's a clear sign he's considering using both of those. He's already used chemical weapons in the past, and we should be careful what's about to come. He knows there'll be severe consequences because of the United NATO front, but the point is, it's real. पोलैंड में बाइडेन ने जो बयान दिया, उससे पहले उनका प्रशासन पहले भी ऐसा ही दावा कर चुका है। 10 मार्च को व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि रूस यूक्रेन पर केमिकल या बायोलॉजिकल अटैक कर सकता है। रूस ने भी दावा किया कि यूक्रेन में ऐसे जैविक हथियारों को खोज निकाला है जो अमेरिका की सरपरस्ती में यहां रखे गए हैं। रूस ने कहा है कि इन जैविक हथियारों का मकसद सैन्य इस्तेमाल है। यानी रूस और अमेरिका दोनों एक दूसरे पर जैविक और केमिकल हथियार इस्तेमाल करने के अंदेशे जता रही। साथ ही पुतिन के परमाणु हथियार भी तैयार है। ऐसे में रूस के दूसरे चरण वाले रण में केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन का खतरा भी दुनिया पर मंडरा रहा है।